नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब बारी है मतगणना की। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल राज्य में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। हालांकि अगर कुछ एग्जिट पोलों की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहे हैं। भास्कर के सर्वे के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल साबित हो सकती है, लेकिन वह बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे रह सकती है। वहीं सर्वे यह भी कहता है कि अकाली दल कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीत सकता है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी 38 से 44 सीटें जीत सकती है। वहीं अकाली दल के खाते में 30 से 39 सीटें और कांग्रेस के खाते में 26 से 32 सीटें आ सकती हैं। इस चुनाव में बीजेपी 7 से 10 और अन्य एक सीट हासिल कर सकता है। बता दें कि पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। अगर इस सर्वे की बात करें तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और 2/3 बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो गए हैं और उन्होंने नई पार्टी बनाई है। अगर बात करी जाए तो कल का समय जो है वो सभी पार्टियां, सभी राजनेता, अगर बात कर ली जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसी को लेकर सभी पार्टियों की दिलों की धड़कनें तेज हैं। लेकिन उससे पहले आज विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक एक दिन पहले आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल कितना सही है, कितना गलत है और क्या कुछ इसमें पंजाब की राजनीति में नया होने वाला है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी एक साथ मिलके अच्छी सीटें पा सकेंगे या चन्नी और सिद्धू की जोड़ी एक बार फिर से कमाल करके दिखाएगी, या अगर बात कर ली जाए तो शिरोमणि अकाली दल फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आएगी और सियासी जमीन तलाशती आम आदमी पार्टी जिसकी लहर सुनी जा रही है पंजाब में, क्या वो इस बार दिल्ली मॉडल पेश करके जनता को लुभा सकेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो पंजाब की जनता आखिर किसका देगी साथ और 10 मार्च को यानी कि कल होली से पहले होली कौन खेलेगा, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10 मार्च से पहले होली से पहले 10 मार्च को होली कौन खेलेगा, ये भी आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज हमारी इस खास चर्चा में। तो 10 मार्च का फिलहाल इंतजार है और पंजाब का बादशाह कौन होगा ये कल साफ होगा। लेकिन उससे पहले आज समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जिट पोलों पर जो चर्चाएं हैं उस पर समझने की कोशिश करेंगे और पंजाब की राजनीति में आखिर नया क्या होने वाला है ये भी आज समझने की कोशिश की जाएगी। तो अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल लगातार जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। अगर तमाम एग्जिट पोलों की बात की जाए तो 70 के आसपास सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती नज़र आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस 22 पर सिमटती हुई इस बार नज़र आ रही है और बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस 5 सीटों पर खेलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य के खाते में 1-2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। एपी न्यूज सी वोटर की बात कर लें तो 22 से 28 सीटें कांग्रेस के खेमे में जा रही हैं, 51 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं।
पंजाब में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो कल 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन 10 मार्च को नतीजे तो आ ही जाएंगे, लेकिन आज इस खास चर्चा में इस चीज को डिकोड करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है, आपका परिचय करा देते हैं। जितेंद्र पॉल जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, प्रद्युमन जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के, साथ ही जितेंद्र सिंह मल्ली राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जितेंद्र सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रही हैं पंजाब में, चाहे वो कांग्रेस के लिए बात कर ली जाए या पंजाब लोग कांग्रेस के लिए बात कर ली जाए या अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती देती हुई नजर आई हैं ये इस बार जो सियासी जमीन तलाश रही थी आम आदमी पार्टी। तो कितना मानते हैं आप कि इस बार नए समीकरण क्या कुछ बैठेंगे पंजाब में? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए थी, लेकिन उसमें बीजेपी कोई बहुत बड़ी भूमिका में उभर कर सामने नहीं आई। उसका चुनाव नेक टू नेक फाइट थी कांग्रेस के साथ, नेक टू नेक था। तो बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा कोई गलत नहीं है, वो ग्राउंड तलाश रही थी, लेकिन उसको ज्यादा मेरा मानना है पंजाब के अंदर वो सफल नहीं हो पाएंगे। और तमाम एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने निश्चित तौर पे अच्छा प्रदर्शन किया है और वो 10 तारीख को सबके सामने होगा। चुनौतीपूर्ण, देखिए चुनाव हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन एक नई पार्टी के लिए और भी चुनौतियां गंभीर होती हैं। लेकिन जितेंद्र जी, जिस तरीके से दिल्ली मॉडल पेश करती हुई नजर आई है आम आदमी पार्टी, तो कहीं ना कहीं जनता भी उससे प्रभावित नजर आई है पंजाब की, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में हमने विकास कार्य किया है, लगातार 2 बार सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आई है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी टक्कर ही नहीं, आम आदमी पार्टी जहां तक मेरा मानना है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और आम आदमी पार्टी जो है उसने दूसरे की कुरूतियां, दूसरे की बुराइयों से ज्यादा अपने एजेंडे पर फोकस किया। उस चीज को कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों ने अक्सेप्ट किया है और बहुत बड़ी मात्रा में, जो किसी टाइम पे कट्टर अकाली हुआ करते थे, जो किसी टाइम पे कट्टर हुआ करते थे, आज उस बड़े बहुत बड़ा वर्ग टूट करके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है। और कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को फेस कर रही थी, कांग्रेस में आपसी खले किसी से छुपी हुई नहीं है, और जो घृणात्मक राजनीति जिस तरीके से करने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़े चेहरों के द्वारा की जा रही थी, पंजाब ने उसको पूर्णता नकार दिया है। और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक ही नहीं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए, हमारे साथ जितेंद्र पॉल जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। जितेंद्र जी, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? जितेंद्र पॉल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, जितेंद्र जी, चुनाव के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन इस पैनल के जरिए कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश की जाएगी कि वो नतीजे होंगे क्या। जिस तरीके से आप लगातार ताल ठोकते हुए पंजाब में नजर आए, तो क्या लगता है कि जो नतीजे आएंगे कल उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे? और अभी इस समय तक आप कहां तक संतुष्ट हैं? देखिए सर, जैसा जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं और जो हमारी पंजाब में इस समय दौरान इलेक्शन के पीरियड दौरान परफॉर्मेंस रही है हमारी, हमारे पूरे संतोषजनक नतीजे आएंगे। और जो वोट परसेंटेज हम ले रहे हैं इस बार, वो पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ेगी और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, उसमें कोई खदशे वाली बात नहीं है। हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, पूरी पूरा बहुमत लेके जा रही है और ये बहुमत एक रिकॉर्ड तोड़ होगा और हो सकता है दिल्ली वाला कोई इतिहास रिपीट हो जाए। तो लगता है आपको कि आप पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बना लेंगे? चलिए, लौटेंगे आपके पास प्रद्युमन शर्मा। बिल्कुल सर, कोई ऐसी बात ही नहीं है, इसमें कोई खदशे वाली बात ही नहीं है। चलिए, प्रद्युमन शर्मा जी को डिबेट में ले लेते हैं। प्रद्युमन शर्मा जी, आप सरकार में हैं पिछले 10 सालों से पंजाब की बात कर ले तो, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एग्जिट पोलों की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं कुर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की। सर, पोलों पे अगर ध्यान दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी ने
जिस प्रकार पंजाब की नींव को रखी है, आज से नहीं 10 वर्ष तक अगर देखा जाए, आज रोजगार की बात की जाए या ड्रग्स पे बात की जाए या किसानों की आवाज की बात की जाए, तो पंजाब कांग्रेस पार्टी सरकार ने बहुत अच्छे से एक आम आदमी की आवाज को उठाई है और आम आदमी की जीत सबके सहयोग से भी हुई है। तो पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी का जो स्टार्टिंग से जो काम किया है वह किसान के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, वह हमारे इसमें हम पूरे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से विजय दर्ज कराएगी। चलिए जितेंद्र सिंह मल्ली जी, कितने आप आपने दोनों लोगों की बातें सुन ली हैं, कितना आप दोनों को सही मानते हैं, कितना सटीक मानते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बिल्कुल सहमत नहीं है। मैं पंजाब में घूमा हूँ, कई विधानसभाओं को मैंने बड़ा करीबी से परखा है। जहां तक मैं जानता हूँ, आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया वहां प्रदर्शन कर सकती है। मैं एग्जिट पोल को इसमें कोई एग्जिट पोल के थ्रू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीनी स्तर पे वहां पे रहा हूँ, मैं घूमा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह, जिस तरीके से उनका सीएम टूट करके किसी दूसरी पार्टी के साथ जाता है, नवजोत सिंह बड़बोलापन हमेशा दिखाते हैं, वो उनको लगता है कि जो भी है वही है, उनके हाथ में जादू की छड़ी है, वो आएंगे जादू की छड़ी घुमाएंगे और पंजाब को कनाडा अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, सबने देखा, ये एक फैक्टर है। उसके बाद चन्नी जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने और उन्होंने तमाम वादे किए, उसमें से किसी भी वादे को वो पूर्ण नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी शुरू से ही भगवंत मान इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप सभी को। ली डॉक्टरेट की और दूसरा 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, लेकिन ये आज भी 23 साल का है, क्योंकि शहीद अमर होते हैं, ये आज भी 23 साल का है। बहुत भगत सिंह से डबल जिंदगी जी बैठे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए देश के लिए। भगत सिंह की दोबारा उड़ीक नहीं करनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि भगत सिंह दोबारा आएगा फिर हमें इन काले अंग्रेजों से, तो हम तो इनके मुरीद हैं। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, सवाल कल के बाद पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर हम जानना चाहें सब आते हैं, क्या काम करेंगे? पहला सब काम करेंगे, जितनी गारंटियां दी उन मल्टीप्लाई कर ले। एग्जिट पोल्स के जो नतीजे, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने मैनिपुलेट किया, या जो अकाली दल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जो तरह से जो मान्यताएं रही हैं उनकी जगह अब झाड़ू आ जाएगा, जो सर पे पगड़ी थी टोपी आ जाएगी, या सब उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, ये गालिब ख्याल अच्छा है, एक दिन रह गया, खुश हो जाओ, उसके बाद आपका सुपड़ा साफ। तो अभी आप सुन रहे थे भगवंत मान को, सीएम फेस है पंजाब में आम आदमी पार्टी के, और वो कह रहे थे कि सबका सुपड़ा साफ होने वाला है, बस एक दिन और है, और तमाम जो उन्होंने वादे किए थे उस पर भी वो चर्चा करते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल हम अपनी चर्चा पर वापस आते हैं और हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं, जितेंद्र मल्ली साहब जी, एक बार अभी भगवंत मान को आप तीनों लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से आ रहे हैं, और लेकिन प्रद्युम्न शर्मा जी मानने को तैयार ही नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो क्या इनका जनाधार, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो चन्नी और सिद्धू के बीच में जिस तरीके से पहले भी सियासी कलह देखने को मिली है, तो क्या लगता है कि वो कलह कहीं काल ना बन जाए कांग्रेस के लिए? मल्ली साहब समझना चाहेंगे आपसे। वो कलह एक विषय हो सकता है, और पहली बात, हम लोग यहाँ पर प्रद्युम्न जी को मनाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो माने या ना माने जनता माननी चाहिए, और जनता ने जिसको बिल्कुल जनता का निर्णय हो, जनता का निर्णय कर पूरा साफ आ जाएगा। एक बात है, दूसरी बात, हम सबके बीच बात है एजेंडा, आप क्या एजेंडा लेकर के जनता के सामने गए? कांग्रेस ने 5 साल शासन किया, उसमें उसने क्या किया क्या नहीं किया जनता के सामने है सर। दूसरा क्लियर बात है, आप सभी ये किसी से छुपा नहीं है कि महत्वाकांक्षी
नवजोत सिंह सिद्धू जी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसने कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। वो स्टेज पे जाते हैं और अपने ही साथियों को कब कोसना शुरू कर देते हैं और खुद को बेदाग बताते हैं। अरे उनको खुद जवाब देना चाहिए कि वो 15 साल से सत्ता में उन्होंने क्या कर दिया। मनीष साहब मैं भी एक बात करनी चाहता हूँ, जैसे आपने बोला ना आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपका जो कंक्लूजन है बहुत अच्छा कंक्लूजन है। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना ये कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। ये नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं जी रहे हम सपनों की दुनिया। 2017 की बात 2022 में नहीं हो सकती। नहीं इस हम, बार हम बताना चाह रहे कि हम पोल्स आए हैं वो हमने नहीं एग्जिट पोल्स दिए, वो सभी सभी चिन्ह वालों का 41% वोट परसेंटेज दे रहा है आम आदमी पार्टी को। और जिस तरीके से हमारे लोगों ने इस बार चुनाव लड़ी है वो एक स्पष्ट स्थिति है। जैसे मल्ले साहब ने बताया कांग्रेस की बात, अब यहाँ तो इलेक्शन से पहले इनका सीएम आउट हो जाता है, इलेक्शन का प्रेसिडेंट कुछ और चोन मैनिफेस्टो दे रहा है, चोन मैनिफेस्टो का चेयरमैन उसने मैनिफेस्टो पहले तो बनाया ही नहीं, तो फिर एक दिन पहले वो अपना मैनिफेस्टो पब्लिश कर रहा है। नवजोत सिद्धू का इस उसने जैसे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड फोर्स ऐसी होगी जिसने ये फैसला कर लिया कांग्रेस पार्टी के टुकड़े टुकड़े कैसे करने हैं, और वो हो चुका है। अब इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता 2017 की बात को आम आदमी पार्टी 2022 में आ रही है। हम आपके दोगले बाजी को बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय आपने आवाज, हमारी पार्टी बहुत जवान हो चुकी है और आपके सामने एक दिन की बात है जैसे मान साहब ने बोला है, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन प्रोफेसर 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 जेपी सिंह आपके पास, प्रद्युमन शर्मा जी जवाब दीजिए। जी जी साहब देखिए, हमने पंजाब में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी के लिए काम किया है, हमें पूरा विश्वास है कि पंजाब की जो जनता है और पंजाब के जो लोग हैं वह कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल खड़े रहेंगे और कल जो निर्णय आएगा वो कांग्रेस पार्टी के हित में आएगा। बिल्कुल वो खड़े हैं भगाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को भगाने के लिए खड़े जरूर है, ये सही कह रहे हैं। 25% किसान फार्म एग्रीकल्चर का पूरा है कल, तो उस प्रकार से उन किसानों की जो समस्या थी तो कांग्रेस सरकार भले चाहे वो पूरी सेंट्रल से हो या भारत से हो, सभी तरफ से पूरा सहयोग रहा, किसानों के लिए भी सहयोग रहा और पंजाब की जनता के लिए भी, आम आदमी के लिए भी सहयोग रहा। पंजाब में जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए वही भारतीय जनता पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी द्वारा कहीं से भी एक जरा सी भी सिंपैथी या एक शब्द के तौर पे एक शब्द नहीं, तो ये सब मेरे ख्याल में इनकी जानकारी पूरी नहीं है कांग्रेस के बारे में। पंजाब में जो कांग्रेस का रोल रहा है, जो खेती बाड़ी के 3 काले कानून आए थे उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कमेटी का मेंबर था, क्या सपोर्ट किया कांग्रेस मूवमेंट की इन्होंने, कांग्रेस का अगर स्ट्रगल लड़ा है उनकी अगर मदद की है तो बॉर्डर पे आम आदमी पार्टी ने की है। हमारा लंगर जब तक संघर्ष चलता रहा हमारा लंगर वहां चलता रहा है, वाई फाई की पीने की पानी की हर तरह की सहूलत हम लोगों ने वहां देर की थी, हमारे एमएलए वहां ऑन ड्यूटी हमेशा स्टैंड टू अप होते थे हमेशा। और किसान आंदोलन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है काफी समय बाद, नहीं आंदोलन बात की है। देखिए देखिए सर ऐसा है, आंदोलन बहुत बड़ा था और आंदोलन कामयाब हुआ, किसानों का रोल रहा है, उनको हम सल्यूट करते हैं, उनकी बदौलत जो संघर्ष अच्छी लीडरशिप की बदौलत संघर्ष कामयाब हुआ। लेकिन यहाँ बात उस संघर्ष की नहीं हो रही, यहाँ तो 2022 के चुनाव नतीजों की बात हो रही है और मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपनी एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ ली है। एक हिस्से में जी, तो इसलिए इसमें रलगट करना मैं ठीक नहीं समझ।
चलिए जितेंद्र पाल साहब, एक सवाल और भी है। जिस तरीके से आप 5 राज्यों में लगातार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे, अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में भी आपने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे, तो वहीं उत्तराखंड में आप मेन फोकस में रहे, अगर साथ वहां कहते हुए भी आप नजर आ रहे थे कि आप तीसरा विकल्प के रूप में हैं, लेकिन अगर वहां की तस्वीर उठा के देख ली जाए तो आपको 2 या 4 ही सीटें मिल रही हैं, साथ ही अंतर कलह का भी शिकार वहां पर आप हो रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पंजाब में होती नजर आ रही है। एक कमेंट छोटा सा। मैं इसमें बड़ा कोई टॉल क्लेम तो मैं करता नहीं हूँ। हमारा फोकस गोवा और उत्तराखंड में ज्यादा रहा है। यूपी में भी हमने अच्छी लड़ी है इलेक्शन, और कुछ एग्जिट पोल्स ने हमें एज थर्ड फोर्स वहां दिखाया है, लेकिन हमें अपने पर यकीन है भी इस बार हमारी वोट परसेंटेज जो गोवा, उत्तराखंड और यूपी में काफी अच्छी होगी, और कुछ ना कुछ हम दिखाने जा रहे हैं। ये जो आने वाले 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, ये हमारी उसकी तैयारी हो रही है, और हम उसमें काफी पॉजिटिव मूड में आओ। हमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि नेशनल पार्टी तो पहले ही बन चुकी है, लेकिन पंजाब के नतीजे आने के बाद आप देख लेना। वैसे तो दूसरे हमें तो आस है, लेकिन हम कभी भी ऐसे नेशनल लेवल पर बात हो रही है, हम ऐसा बोलते भी एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो ऐसे ही हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आने वाला एक दिन रह गया है, पता मालूम हो जाएगा, लेकिन मैं आसमान कि हम उत्तराखंड और गोवा और यूपी में भी कुछ ना कुछ करेंगे। आप पंजाब के एग्जिट पोल के नतीजे मान रहे हैं, लेकिन आप उत्तराखंड के एग्जिट पोल के नतीजे नहीं मानते दिख रहे हैं। मैंने ये तो बोला ही नहीं अभी, मैं एग्जिट पोल को निकाल रहा हूँ। मैंने अपने आप को बोला मैं आसमंद हूँ कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। कुछ ना कुछ मतलब सरकार नहीं बना रहे आप उत्तराखंड में। अगर हम लोग आज बात करें, वही मैंने एक शब्द बोला था, मैं टॉल क्लेम नहीं करना चाहता इस समय हमारा ज्यादा फोकस पंजाब पे है। ठीक है, हमारे नेशनल सुप्रीमो जो केजरीवाल जी हैं और भी बड़े सिसोदिया जी हैं, यूपी में भी गए हैं, गोवा में भी गए हैं, उत्तराखंड में भी गए हैं, मणिपुर भी गए हैं, सभी जगह पर गए हैं, लेकिन मैं इस समय अपना फोकस जो है वो पंजाब पे है। टॉल क्लेम्स नहीं मैं करने चाहता, अभी अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं एग्जिट पोल भी गलत है, ऐसी बात नहीं है। चलिए मल्ली साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय ये है कि मान लिया पंजाब में सरकार बन भी जाएगी, भगवंत मान जी मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन क्या भगवंत मान जी मुख्यमंत्री होंगे या केजरीवाल जी ही उनको चलाएंगे? विषय यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि हु इज गोइंग टू गवर्न पंजाब। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी। कहीं कांग्रेस वाला तो सीन नहीं होगा कि मनमोहन साहब को सोनिया गांधी चला रही थी जिस तरीके से। नेशनल पार्टी है कुछ, जब पॉल साहब पंजाब में सरकार बनेगी तो कुछ नेशनल लेवल के ऐसे इश्यू पार्टी जो है वो कंसर्न रहेगी नेशनल। इस चीज में ऐसी बात होगी भी केजरीवाल हमारे पंजाब की सरकार चलाएगी, उनके पास तो पहले ही दिल्ली है, उनकी तो लड़ाई एक और भी है, दिल्ली में पावर बहुत ज्यादा। समय पर ये आरोप लगते रहे हैं, समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की मंशा राघव चड्ढा जी को पंजाब सौंपने की है, कई बार उनकी खुद मंशा वहां आने की है, तो इन इन सब सवालों को आप कैसे देखते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है पॉल साहब। एक सवाल मेरा आपसे भी है जितेंद्र पॉल साहब, मीडिया पे बहुत कुछ आता है वो एक, एक, एक मेरा सवाल सुन लीजिए जितेंद्र पाल साहब, कि क्या जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन उनके ऊपर तमाम आरोप लगते हुए नजर आए कि अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी उन्हें गाइड करती नजर आती हैं, तो क्या कांग्रेस वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी आम आदमी पार्टी के पंजाब में? सर ऐसी नहीं बात होगी, वो डमी, जैसे वो डमी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देखिए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने काम भी बहुत किया था पहली टर्म में, मैं उनकी दूसरी टर्म की बात नहीं करूंगा, पहली टर्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जो आरोप उन पर लगे हैं वो हमारे साथ किसी भी तरीके कनेक्टेड नहीं है। केजरीवाल जी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, पहली बार पंजाब में आसमंद है हम अपनी सरकार बनाने के लिए,
कोई भी आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। हमारे सामने देश के दूसरा भी और भी चीज है, 2024 की इलेक्शन भी है हमारे सामने। तो अगर ऐसी पिक्चर हम पेश करेंगे तो वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने की तरह हो जाएगी, जो नहीं होगा कभी। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसकी आपने अपनी जो ऑडियो हमने सुनी है उसमें उसका जो बात करने का सलीका था वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ था। चलिए चलिए, पॉल साहब लौटेंगे आपके पास, प्रद्युम्न शर्मा जी को डिबेट में ले लेते हैं। प्रद्युम्न शर्मा जी, प्रद्युम्न जी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रद्युम्न जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए इनसे पीसीआर जरा इनको जोड़ने की कोशिश की जाए, डिबेट में लेने ले लेंगे इनको फिर। जितेंद्र मल्ली सिंह, मल्ली साहब जैसे की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं लगता है विचारों से कि आम आदमी पार्टी पंजाब को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी और वो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में भी आना चाहती है, ये किसी से बात नहीं छुपी। तो हो सकता है कि उसका एजेंडा रहेगी अगर पंजाब में अच्छे स्तर पे काम किए जाते हैं और उसको एज अ रोल मॉडल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का रोल मॉडल देश को दिखाया था और केजरीवाल जी पंजाब का रोल मॉडल देश को दिखा करके और केंद्र की राजनीति में एक एग्रेसिव भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल, लेकिन मल्ली साहब लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, चर्चा पर वापस आते हैं और सीधे चलते हैं जितेंद्र सिंह मल्ली साहब के पास। मल्ली साहब, जिस तरीके से आप विश्लेषण दे रहे थे कि पंजाब में अगर बात की जाए तो मुद्दे बहुत हैं और उस पर आम आदमी पार्टी खड़ी साबित हो सकती है, जवाब जी? नहीं देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी किस मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण समझती है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो और उसमें बॉर्डर स्टेट के नाते बहुत कठिन हो जाता है, कई विषयों को गंभीरता से लेना पड़ता है। उसके साथ ड्रग्स का एक विषय है, खनन का एक विषय है, बाकी बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब विषय तो हैं, लेकिन जो ड्रग्स, नशा, खनन, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है पंजाब की राजनीति में। अब उसमें किस हद तक वो कामयाब हो पाती है ये देखने योग्य होगा। बिल्कुल, मैं मल्ली साहब की बात से एग्री करता हूँ। देखिए, जैसे सर आप बात कर रहे थे ना, अभी पंजाब में केजरीवाल जी अब ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। मैंने पहले बोला, हमारे सामने पहली बात तो जो हमने गारंटीज दी है, एक तो बात हमने वो पूरी करनी है। जैसे मल्ली साहब ने बोला है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में ड्रग्स का और ये सैंड माइनिंग का, माइनिंग का इतना खनन हो रहा है, इतना ज्यादा चोर बाजारी हो रही है और हमने हमारा एजेंडा यही बनाया। पंजाब मॉडल में एक बात ये आ जाएगी, हमारा रेवेन्यू हमने कैसे जनरेट करना है और हमारा रेवेन्यू जो ज्यादा जनरेट होगा, जितना भी ये माइनिंग हो रही है नजायज गलत रूप से और जो दूसरा अपना शराब वगैरह से गलत आम जितनी भी इनकम हो रही है वो लोगों को इन ठेकेदारों के पेट में जा रही है, वो सारा गवर्नमेंट के एक्सचेकर में डालनी है। रेवेन्यू को बढ़ाना है हमने और हमने जो भी गारंटी दी है कोशिश करनी है जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जाए। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेट्स है पंजाब के, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। एक महीने के लिए वायदा किया चरणजीत चन्नी ने भी कम हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं है। मेरा अपना बिल जितना पहले आता था उतना ही इस बार आया है। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, इन्होंने एक पहले तो कांग्रेस ने अपनी सरकार को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो 4.5 साल का राज हो गया कैप्टन अमरिंदर का, दूसरा 111 दिन का चरणजीत चन्नी का। वो 111 दिन में मैंने आरटीआई से पूछना मांगी, आरटीआई के द्वारा 5.5 अरब रुपया इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिया, एक भी मुद्दा पूरा नहीं किया पंजाब के लोगों का, ना मुलाजमो का, ना किसी भी मजदूरों का, ना ही आम लोगों का। हमारे सामने वो बहुत बड़ी बात है, हमारा मुलाजम है पंजाब का बिल्कुल रोड पे है, ठेकेदारी सिस्टम बहुत ज्यादा है पंजाब में, फार्मर्स की सुसाइड बहुत ज्यादा है। हमारे सामने मुद्दे इतने ज्यादा है और मेरा अपना विश्वास है अभी आम आदमी पार्टी बहुत सीरियसली इन सभी मुद्दों को लेकर एक वो जिसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की होती है उसके द्वारा
जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी पंजाब को कैसे इन सारे ये जो एक लांछन लग चुका है पंजाब पे कैसे निकला जाए इन सब पे। लेकिन आंकड़े तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर बात कर लें तो दिल्ली में भी विज्ञापन काफ़ी कम नहीं है केजरीवाल सरकार का। अगर बात कर ली जाए तो वहाँ भी अगर हर तीसरे चौराहे पर या चौथे चौराहे पर हमें दिख जाएगा केजरीवाल जी छपे हैं, उनके साथ मनीष सिसोदिया साहब लगे हुए हैं। और दिल्ली सरकार आपकी सरकार देखिए बिल्कुल दिल्ली में काम भी बहुत है। आम आदमी पार्टी के दम पे ही है जी प्रोफेसर। नहीं मेरा की ऐड पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ अगर काम किया है तो उसको लोगों में प्रचार करना चाहिए। अगर तो काम नहीं किया अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 36,000 एम्प्लॉइज को रेगुलर करने वाले बोर्ड लगे सारे पंजाब में, एक भी नहीं हुआ। नहीं मल्ली देखिए ना पॉल साहब, एक एक छोटी सी बात और भी है, अगर जो पैसा आप लगा रहे हैं उस पर एडवर्टाइजमेंट में वही पैसा जनता के काम में लगा दिया जाए तो जनता और ज़्यादा अच्छे समझ जाएगी भाई। 5-10 करोड़ छोटी इनकम नहीं होती है। अगर मिडिल क्लास के एक वर्कर की बात कर लें तो उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी इनकम को कमाने में, जितना विज्ञापनों पर आप इन्वेस्ट कर देते हैं। मल्ली साहब जवाब जा रहे हैं हम जेपी सिंह जी से कि सीएम साहब तो भगवंत मान जी मान लिए, डिप्टी सीएम कितने बनने वाले हैं पंजाब में? मुझे तो ऐसा लगता है इस डिबेट में, मुझे पिछले आधे घंटे से तो यही लग रहा है कि बस भगवंत मान को अब शपथ लेने की देर है। ऐसा मुझे इतने जितेंद्र पॉल साहब के शब्दों में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब दरकिनार कर दिया गया, अकाली दल की चुनौती दरकिनार कर दी गई, पंजाब लोक कांग्रेस की चुनौती दरकिनार कर दी गई, कांग्रेस की चुनौती दरकिनार कर दी गई और बस भगवंत मान साहब अब थोड़ी देर में यही कहेंगे कि मैं शपथ लेता हूं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, बस ऐसा ही लग रहा है मुझे थोड़ी देर में। सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता आज घृणा की रणनीति को दरकिनार रही है, उसको नकार रही है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से केजरीवाल जी अपने काम को प्रचार करने में ज्यादा उनकी रुचि दिखती है, वो घृणा की रणनीति से बचते हैं। आप उनसे कोई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछेंगे तो वो उसको अवॉइड करेंगे। वो अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो काम शब्द का, कार्य करने का शब्द का या लोगों की सेवा करने का पर्यायवाची बन करके उभर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है, इसको समझना पड़ेगा। आज पंजाब के अंदर जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते थे, जाति की राजनीति करना चाहते थे, कहीं ना कहीं उनपे ये हथौड़े से चोट हुई है। लेकिन एक और अगर समझने की कोशिश की जाए तो कुछ पूर्व नेता कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के, कुमार विश्वास साहब, उन्होंने विधानसभा चुनाव से 2 या 3 दिन पहले एक आरोप जड़ा था एक बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल पर, और मैं उसको अब तक का सबसे बड़ा आरोप मानता हूं अगर किसी राजनेता पर लगा हो। वो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था, अगर बात कर लें तो, कि मैं एक दिन अलग देश का पीएम बनूंगा, वरना सीएम तो बनूंगा ही बनूंगा। शायद दिल्ली में वो सीएम बनने के लिए कामयाब हो गए, लेकिन भारत का पीएम बनिए, भारत के पीएम बनने की कुव्वत रखिए आप। देखिए नहीं नहीं जितेंद्र पाल साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, भारत के पीएम बनने की कुव्वत रखिए आप, ऐसे काम कीजिए कि हाँ भाई हम भारत के पीएम बनेंगे। लेकिन उन्होंने कुमार विश्वास ने सीधे तौर पर आरोप ये लगा दिया था कि केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि या तो मैं सीएम बनूंगा या खालिस्तानी प्रदेश का पीएम बन जाऊंगा मैं, तो सीधे तौर पर ये ऐसा देखिए अगर ऐसा कुछ हो, मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये अगर ऐसा कुछ कहा भाई बात समझिए, बड़ा ये गंभीर विषय बन जाता है। आज मैं आपसे को लेकर भी एक गंभीर विषय बन जाता है ये। नहीं 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 देखिए इसको समझिए अगर जो भी जिनका भी आप नाम ले रहे हैं अगर उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया तो जिस समय ये बात कही गई क्या उस समय देश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था? उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं कहा कि भाई आप देश के लिए ऐसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप और हम ये इस चीज से देखिए, मैं आज किसी पे आरोप लगाऊं मुझसे फला नेताजी ने ये कहा, ये कोई बात नहीं। अगर देश के प्रति ये गलत बात की गई, विधानसभा चुनाव था अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो उससे 2-3 दिन पहले ही सामने आई थी ये बात। हाँ तो ये तो आप समझ सकते हैं कि वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति हो सकती है, वो कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। चलिए महत्वपूर्ण यह है कि अगर आम आदमी पार्टी को इतना जनाधार मिल रहा है तो उसकी वजह क्या है? और चुनाव, हाँ इसमें कुछ तथ्यात्मक बातें हैं कि अब जैसे हमने कहा कि सीएम तो ठीक है भगवंत मान जी,
डिप्टी सीएम कितने बन सकते हैं, या अगर हम लोग देखें तो अगर केजरीवाल जी चाहते हैं पंजाब को गवर्न करना तो वो किस तरीके से अपने नुमाइंदे वहां फिट करते हैं, अच्छे जो फाइनेंस मंत्रालय है मंत्री है या और कई महत्वपूर्ण पद है वो किनको दिए जाते हैं, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय होगा। चलिए ठीक है, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं, सहमत हूं, ये महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हमने अभी तक अपने किसी भी चोन वैदा में ऐसी कोई बात को अभी जग जाहिर नहीं किया, ओपन नहीं किया हमने। ये हमारी अपनी रणनीति होगी, हम कैसे अपनी आगे सरकार चलाएंगे। एक बात मैं आपकी बात से मुझे याद आ गई है, देखिए इतना बड़ा आरोप जो कुमार विश्वास ने लगाया और उसमें एक शब्द खालिस्तानी वाला या आतंकवादी वाला यूज किया, वो बहुत गलत बात थी। हमने दिल्ली का 2020 का चुनाव लड़ा है, अपने काम के आधार पर लड़ा है, और आज तक तीसरी बार केजरीवाल सीएम बने हैं दिल्ली के, आज तक कोई एक बात भी प्रूव करके दिखा दे भी हमारी आम आदमी पार्टी का किसी भी आतंकवादी से के साथ कोई रिलेशन रहा है। हम ओपनली कंडम करते हैं इसको। ये बात बिल्कुल मेरा जो पर्सनल मानना है ये बिल्कुल वैसे है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बात पहले भी कही जा सकती थी जब ये हुई। अब इस समय दो दिन पहले आ गया ऐसी वीडियो रिलीज करने, इसके पीछे सिर्फ बीजेपी का रोल है। बीजेपी तो वहां भी सरकार बना लेती है जहां उसका केवल एक MLA हो। सो बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम सब लोग आजाद भारत के नागरिक हैं, यहां आतंकवादियों के लिए देशद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं। और दूसरी बात, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस तरीके के गंदे आरोप किसी पे लगाते हैं, ये भी बहुत दुखदाई है, बहुत निंदनीय है। इसको हम शॉर्ट शब्दों में अगर कहें तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे भाई, अगर किसी ने आपको इस तरीके की बड़ी बात कही तो आपने तुरंत उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आप इलेक्शन से दो दिन पहले अगर वोट पड़ते समय इतनी घिनौनी बात, देखिए मैं इस पे अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैंने उसको भी बयान तो नहीं सुना, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, लेकिन ये बात हमें देखिए, राष्ट्र से बढ़कर कोई चीज नहीं है, राष्ट्र हित से बड़ा हित कोई नहीं, लेकिन मैं अपने आप को राष्ट्र हित का ढोंगी बना करके और दूसरों को देशद्रोही कहता रहूं, ये भी सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण है। मैं किसी पे यूं उंगली उठा दी, देखिए ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये बांग्लादेशी, ये गलत है भाई, मुझे कोई राइट नहीं, मैं किसी को भी यूं ही कुछ भी बोल दूं। आप एक मुख्यमंत्री को, एक देश की राजधानी को गवर्न करने वाले मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं, ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन अगर बात कर लिया तो एक चीज और भी है मन्नी साहब, एक चीज और भी है, जो कि अगर आप उस समय ऐसा कोई बयान दिया था तो आपको उस समय उसको चर्चा में लाना चाहिए था, उस समय आपको सबके सामने रखना चाहिए था। भाई ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप अब रख रहे हैं, जब लगभग आप उससे अलग हो चुके हैं, आप उसकी पार्टी से अलग हो चुके हैं। तो एक चीज और भी यहाँ पर यह साफ होती नजर आती है कि कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने की भी कोशिश की जाती है, और फिर जब लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई आरोप लगाता है और अगर वो झूठा आरोप होता है तो कहीं ना कहीं मानहानि का भी केस कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जो अभी तक नहीं किया गया। देखिए आज आप जानते हैं राज्य के अंदर कितने मानहानि के केस होते हैं, उसमें क्या है, जब केस हो जाता है तो आसानी से आदमी आता है, माफी मांग लेता है, केस रफा दफा हो जाता है, तो वो उलझनों में तो लोग नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन हाँ, मेरा भी मानना है अगर ऐसा कुछ हुआ है और तथ्यात्मक है तो केस करना भी चाहिए, मानहानि का दावा भी करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने आजादी में इतनी कुर्बानियां दी, वहां के लोगों को मुड़ करके यूं ही आतंकवादी खालिस्तानी कह देते हैं, मतलब ये आज ये कितना ये बड़ा दुखदाई है, समझना होगा इस चीज को। देश हित सबसे बड़ा हित है, लेकिन अगर मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा, मैं किसी को देशद्रोही कह दूं, मैं सपोज कोई मेरी पार्टी हो, मैं चुनाव लड़ूं, मैं हार जाऊं, लोग दूसरे को सपोर्ट कर दें, तो मैं उनको बोल दूं ये देशद्रोही है। ये जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं 2-4-5 साल से, ये बहुत दुखदाई है। चलिए जितेंद्र पाल, सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी लौटेंगे मल्ली साहब, लौटेंगे आपके पास, एक जवाब ले लेते हैं पॉल साहब। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आरोप भी इतना गंभीर आरोप हो, वो भी इलेक्शन के दो दिन पहले हो, तो वो ठीक नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी की तो एक स्पष्ट नीति है, भ्रष्टाचार के विरोध में है। हमारा कभी भी आपने कोई भी किसी की भी स्टेटमेंट ऐसी सुनी भी नहीं होगी भी हमने फला एक आतंकवादी या खालिस्तानी या किसी की बात में किसी का सपोर्ट किया हो। हमने हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो सभी क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारी जो बात होती है हमारी स्पष्ट बात होती है, ऐसे नहीं होगा कि उसमें कोई डुबियस बात की हो। आतंकवाद के हम बिल्कुल विरुद्ध में खड़े हैं,
और कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति को तो कुमार विश्वास का वैसे बैकग्राउंड जो है वो सारा वाजपेयी वाला बैकग्राउंड है, तो वो क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। दूसरी बात, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है वो देश के और हिस्सों में भी के लिए भी एक सुखद समाचार होगा। देखिए हम काम की राजनीति करते हैं, हमारा मुद्दा काम है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के 300 यूनिट फ्री देने की बात की है, हमारा शुरू में विरोध हो गया पहले तो भी ये कैसे दे देंगे। उसके बाद अकाली दल ने अनाउंस कर दिया हम 400 दे देंगे, जैसे कोई बोली सिस्टम लग रहा हो। अगर एमएलए और एमपी वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं तो हमारा आम आदमी क्यों नहीं फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, लेकिन वो एक लिमिटेड हमने दी है। जेपी सिंह जी, मैं छोटी सी एक बात आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर आप सोचते हैं फ्री 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 तो आप शिक्षा फ्री क्यों नहीं करते? आप किसी को एलिजिबल बनाने के, देखिए ये भी आप इस बात को स्वीकारिए या ना मारिए, वो एक वोट के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक तरीका है कि बिजली दे देंगे। अगर आप इतने ही गंभीर हैं मुद्दों को सुलझाने के लिए तो आपको शिक्षा फ्री करने की जरूरत है, गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ सके ताकि वो अच्छे से जॉब कर सके और वो खुद अपना बिल पे कर सके। इस विषय पर आप क्यों चुप हो जाते हैं, आपकी पार्टी क्यों गंभीरता से नहीं लेती? अगर आप इतना ही मुद्दों को संजीदगी से लेते हैं, इतना ही आम आदमी पार्टी देश का भला चाहती है तो कहीं ना कहीं उसको शिक्षा को फ्री करने के बारे में सोचना चाहिए और वो रोल मॉडल बनकर देश में आ सकती है। मलिक साहब, शायद शिक्षा और सेहत, हेल्थ एंड एजुकेशन, इस पे शायद हमें बात करने की ज्यादा हमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। जो दिल्ली वाला मॉडल है वो पंजाब में लागू होगा। हम शिक्षा बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और पंजाब में भी देंगे। और यहाँ तक जब आपको याद होगा ट्रंप की वाइफ जब आए थे वो हमारे इधर दिल्ली, तो उनकी वाइफ ने हमारा गवर्नमेंट स्कूल विजिट किया था, वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है। जितेंद्र पाल साहब, अब मैं भी थोड़ा एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा हायर एजुकेशन लेनी हो जितेंद्र जी, पाल साहब 10 लाख का लोन भी देंगे हम। रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट, गारंटी है जो पंजाब सरकार देगी। पाल साहब, मुद्दे जो हैं अगर बात की जाए तो पंजाब के मुद्दे अलग हैं और दिल्ली के मुद्दे अलग हैं अगर बात कर ली जाए तो, क्योंकि चुनौतियां अलग अलग हैं अगर बात कर ली जाए। और उत्तराखंड में आप सरकार बनाते हैं तो वहां तो चुनौतियां और ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जो सरकार है उसने प्लेन एरिया में काम किया है, पहाड़ों के बारे में मुझे नहीं लगता कि इतनी नॉलेज होगी कि वहां पर चीजें कैसी क्या की जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर पंजाब पर चर्चा कर ली जाए तो पंजाब में मुद्दे बहुत हैं अगर बात कर ली जाए तो, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर है, ठीक है, ठीक, तमाम हथियारों का भी आवागमन होता रहता है अगर बात कर ली जाए, और तमाम अगर बात कर ली जाए तो नशा तस्करी भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, जो अगर बात की जाए तो नशा तस्करी के लिए लगातार सरकार टारगेट पर रहती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे अकाली दल की सरकार रही हो, टारगेट पे रही है नशा को लेकर। अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, किसानों के मुद्दे हैं भाई, अगर जिस तरीके से अभी कृषि कानून का विरोध चल रहा था तो सबसे ज्यादा वहां पर अगर किसान देखे जाते थे तो पंजाब के किसान होते थे या हरियाणा के किसान होते थे। बिल्कुल, तो यहाँ पर चुनौतियां बहुत हैं आपके लिए, तो आप अगर आपकी सरकार कल अगर आपके फेवर में नतीजे आते हैं तो आप इन सभी चुनौतियों पर कैसे करेंगे बात? क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पलायन का भी मुद्दा बहुत तेजी से है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पंजाब वो प्रदेश है जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को बंदे सप्लाई करता है, एक सीधे तौर पर बात की जाए, क्योंकि यहाँ से लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, और यही मुद्दा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो लोगों की समस्याएँ बहुत हैं, और शायद यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी का इतना जोर शोर भी सुना जा रहा है। तो इन तमाम समस्याओं से आप कैसे निपटेंगे, एक जवाब सर। मैं आपने पूरे जो 5 मुद्दे आपने बताए हैं ये हमारे लिए तो पहले ही एजेंडे पे है हमारे। देखिए सबसे पहले अगर बॉर्डर की बात कीजिए करें, देखिए आम आदमी
पार्टी का इमेज अब बिल्कुल नेशनल है। हमारी पार्टी का कोई भी एक भी स्टेटमेंट, हमारी पार्टी की पॉलिसी कोई भी आप ऐसी बता नहीं सकता, कोई भी पीएनटी नेशनल बात हो। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, नहीं ये तो सभी बात करते हैं कि हम ये सभी बात करते हैं कि हम इन चीजों पर कसेंगे, लेकिन अगर बात कर ली जाए पंजाब के इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लिया जाए तो शायद ऐसा नाकामयाबी भरा जवाब ही सामने आएगा, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे अकाली दल की बात कर ले, नाकामयाब नहीं तो हो सकता है। इसीलिए जनता आज नकार रही है दूसरी पार्टियों को नाकामयाब। इन सब चीजों पर क्या है आपकी नई टेक्निक, क्या है नई, आपने कौन सी जड़ी बूटी तैयार की है जो आप नए हैं, और नई जड़ी बूटी आप कौन सी लेकर आ रहे हैं ऐसी पंजाब के लिए जो इस समस्या को दूर कर देगी? मैं सबसे पहले आपसे ये नशे पे बात कर लेते हैं। देखिए सर, नशा जो पंजाब में बिक रहा है उसमें पॉलिटिशियंस का और प्रशासन दोनों का ज्वाइंट रोल है। प्रशासन का कैसे रोल हो जाता है, जब पॉलिटिशियन खुद उसमें इन्वॉल्व हो तो वो उनका वो ऐसा हो जाता है, जब यही नशा बेचने वाले हैं तो मैं किसको पकड़ूंगा। इस समय मजीठिया पर जो केस चल रहा है वो आपके नुकसान होगा। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की है, अभी पार्टी का प्राइम एजेंडा है दूर करने के लिए। देखिए नहीं हुई है क्योंकि आपके सीएम फेस भगवंत मान के भी ऊपर आरोप लगा है कि वो तमाम नशा करते हैं, तो वो नशे में ही चूर रहेंगे सत्ता के, तो कैसे काम करेंगे जनता के लिए? सर ये तो आरोप वाली बात है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पिक्चर तो सीधी सभी सारी दुनिया ने देख ली है, अब किसकी बात करें। नहीं, नशा एक मेन मुद्दा रहा है पंजाब के लिए, लेकिन जब सीएम नशा मेन मुद्दा नहीं है, जो चिट्टा ये जो चिट्टे की बात होती है ना वो उसकी बात कर रहे हैं, वो सिंथेटिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो पॉलिटिशियंस की मिली भुगत से पंजाब में सेल हो रहा है, पंजाब की जवानी को बर्बाद कर रहा है। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और प्लान दोनों एक दूसरे से रिलेटेड इश्यूज है। हमारी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट हमारा पंजाब की जो यूथ है वो बाहर कैनेडा अमेरिका इंग्लैंड जा रहा है। हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का होगा। ये जो ठेकेदारी सिस्टम है, हमारे पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सभी पोस्ट एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी, सभी पोस्ट पद खाली पड़े हैं, उनको भरना हमारा बेसिक एजेंडा होगा। फिर आपने फार्मर्स की बात की, देखिए बात ये है, बात रेवेन्यू की आ जाती है। फार्मर्स के जो इश्यूज है उनको लाइन पर लेकर आना, अगर कोई जैसे नुकसान हो जाता है फसल का किसी भी तरीके से तो सारा पंजाब का रेवेन्यू तो इन लोगों के पेटों में जा रहा है, सारा पैसा तो ये लोग, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, अगर वो पैसा जितना चन्नी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट दे देते तो पंजाब में मिसमैनेजमेंट ही मेन कारण है। हमारी आम आदमी पार्टी का ये मिसमैनेजमेंट बिल्कुल मैनेज्ड होगा, हम मिसमैनेजमेंट को दूर करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। मुद्दा एक बेअदबी का भी रहा है पंजाब में लगातार चर्चाओं में, और उसको लेकर भी सरकार कई बार निशाने लगा रही है विपक्ष पे। है पंजाब की राजनीति में गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो बेअदबी लगातार होती रही है और सरकारें उस पे कोई गंभीर रोकथाम नहीं लगा पाई है, बहुत बड़ा मुद्दा है तरीके से। और ये देखने योग्य होगा कि आम आदमी पार्टी अगर सरकार में आती है तो उस पे क्या करती है। ये भी ये उससे भी बड़ी बेअदबी है कि सरकार उस पर मिट्टी डाल देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक किसी भी दोषियों को कोई बहुत बड़ी कसी सजा नहीं दी सकी। आप समझते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी अगर की जाती है तो बहुत इससे दुखदाई बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, और दोषियों को ना पकड़ा जाना ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी राजनीति की तरफ इशारा करता है कि आखिर जो लोग ऐसा करा रहे हैं उनके मंसूबे क्या हैं। बिल्कुल सर, मलिक साहब आपने सोची समझी राजनीति शब्द इस्तेमाल किया, मैं बोलने लगा था अभी आपसे पहले मीम पॉलिटिक्स, जो नीच पॉलिटिक्स है ना, मीम पॉलिटिक्स है ये पंजाब में। ये जो बेअदबी का इशू है ये सारा पॉलिटिकल बनाया है इन लोगों ने, क्योंकि अगर कोई भी वारदात हो जाती है जैसे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाली बात है या हमारा बरगाड़ी वाला इशू है जिसमें दो बच्चों की जान चली गई, अगर सरकार ने उसी समय कोई एक्शन नोटिस लिया होता उसका तो सभी वो उसको हम ठीक कर सकते थे,
लेकिन तो आपको उम्मीद है कि आप लोग उस पर एक्शन लेंगे? हाँ जी बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर। हमारी तो रिपोर्ट ऑलरेडी जो पहले सबमिट हो चुकी है वो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है कुंवर विजय प्रताप वाली, उस पर एक्शन लेंगे। एक चीज और भी है, अगर बात कर ली जाए लुधियाना में भी बम ब्लास्ट हुआ था तो उसको लेकर भी अगर बात कर ली जाए तो विस्फोटक पदार्थों को लेकर भी अभी तमाम मुद्दे रहे हैं पंजाब के लिए। तो ऐसी चीजें आती हैं पंजाब में और उस पर कांग्रेस नहीं कर पाई कोई कार्रवाई, तो आप अगर सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ करेंगे उसके लिए? किस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करेंगे? सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी ही चुनौती रही है पंजाब सरकार के लिए। हाँ, पंजाब सरकार के लिए ये जो आने वाली सरकार है हमारी आम आदमी पार्टी की, चुनौतियों भरपूर होगी। चुनौती हमारे सामने एक नहीं है, चुनौती बहुत सारी है। चुनौती से हम सारा को रेक्टिफाई करेंगे। उस अगर देखिए मुद्दा अगर उसको ठीक ही ना किया जाए तो वो बढ़ेगा दिन ब दिन, उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर पहले रेक्टिफाई कर ले तो उसको सारा सारा कुछ ठीक हो सकता है। अगली बात, आम आदमी पार्टी उस पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाएगी जो आते वक्त तक हमेशा लटका के रखे, जैसे हमारे SYL का इशू है, हमारा चंडीगढ़ का इशू है, हमारे ये जो सारे इशू है ये तभी उठते हैं जब इलेक्शन आ जाती है। लेकिन पूरे 5 साल इन मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं होती। हमें यकीन है हमारी जो सरकार बन रही है, ये जो पुराने जितने भी इश्यूज हैं जो गड़े हुए हैं, उन सभी इश्यूज को सियाणप से, पहले तो जो मेजर इश्यूज हैं जैसे नशे वाला इशू है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, ये तो तब की बातें हैं अगर हम लोग मान लें कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, चलिए मान भी लिया आ जाती, लेकिन अगर 0% भी अगर कहीं हम लोग ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती, तो हार का ठीकरा किसके सिर फूटने वाला है? अगर अगर कहीं आम आदमी पार्टी हार जाती है तो उसके जिम्मेदारी भगवंत मान जी के ऊपर जाएगी। बड़ा सवाल पूछ लिया जितेंद्र सिंह मल्ली साहब, आपको आप अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, या उसमें केजरीवाल जी अपने आप जिम्मेदारी लेंगे कि मेरे ऊपर बाहरी का तबका लगा रहा, या छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा कि भाई आप लोग मेहनत नहीं कर पाए, हम लोग तो बहुत बढ़िया साफ छवि के लोग हैं। मल्ली साहब उस बात की बात क्यों की जाए जो बात होने वाली नहीं, 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 एक, 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 नहीं, प्लस और माइनस पॉइंट दोनों होते हैं किसी चीज के, हो सकता हो जिस तरीके से आप जिस तरीके से हो सकता हो आप चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, हो सकता हो जनता ने मूड कुछ और बना लिया हो, जनता का कुछ और इरादा हो, इस बात आप शायद जनता की नब्ज ना टूट पाए तो कहीं ना कहीं आप ढील देते हुए नजर आएंगे उस पे। लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी अगर हार जाती है, कल के नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते हैं, तो वो उस हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा? नहीं नहीं, तो उसमें ईवीएम के ऊपर देखिए, बलि का बकरा ईवीएम बनेगी, बलि का बकरा भगवंत मान जी बनेंगे या कोई और? मैं केजरीवाल साहब पे बात करना चाहता हूँ। आजकल पंजाब में हमारे सोशल मीडिया पे यूपी की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें ईवीएम की वो ट्रांसपोर्टेशन नजर आ रही है, वो अब की है कब की है ये तो बोल कह नहीं सकते भी कब की है, लेकिन ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं पंजाब में जिसमें ईवीएम की ट्रांसपोर्टेशन आजकल के दिनों में जब वो होती नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन जितनी भी है वो सारिया जहाँ काउंटिंग होनी है वहाँ। आप सवाल से बच रहे हैं, आप सवाल से बच रहे हैं, छोटा सा सवाल इसको, चलिए पॉल साहब समय का अभाव है, 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करिए, 10 सेकंड पॉल साहब कम शब्दों में, 4 बज रहे हैं। अगर जनता आपको क्लियर मैंडेट नहीं देती, अगर जनता आपको क्लियर मैंडेट नहीं देती, बिल्कुल मल्ली साहब समय का अभाव है, जितेंद्र पॉल साहब से 10 सेकंड का कमेंट लेते हैं फाइनल जी। अगर क्लियर मैंडेट जनता नहीं देगी तो उसमें भी कोई किसी पर ठीकरा फोड़ने वाली तो बात ही नहीं है। देखिए हमने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ी है और हमारा विश्वास है, 100% विश्वास है। चलिए चलिए चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए फिलहाल। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, कल नतीजे आ जाएंगे और ये तय हो जाएगा पांचों राज्य में कि अगले 5 साल किसकी झोली में जाने वाले हैं। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।